हेलो फ्रेंड्स, आई एम रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर इन इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑल ऑफ यू, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस गोपालगढ़। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की श्रेणी का ये छठा वीडियो है हमारा आज का। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है किसी कार्य का लगातार चलना। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब भूत काल के अंदर जब कोई घटना घटित हुई थी उस समय वो कार्य है, जब हमने देखा था वो कार्य चल रहा था उस समय, तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। अब इसमें जो इसकी पहचान होगी वो पहचान इस रूप में, जैसे हिंदी से कोई वाक्य हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, उस समय हिंदी के सेंटेंस होंगे उनमें लास्ट में जैसे रहा था, जैसे मैं खेल रहा था, वह पानी लहा रही थी, बच्चे बाजार जा रहे थे, तो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जिनमें लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग करते हैं। और अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा मोस्टली फोकस रहेगा कि सेंटेंस पहले से फ्रेम्ड है और उन्हीं में हमें करेक्ट वर्ब भरनी होती है, एग्जाम्स किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखिए, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें पास्ट टेंस आया हुआ है। जैसे यस्टरडे शब्द है, ये पास्ट का वर्ड है क्योंकि ये भूतकाल से रिलेटेड है, बीता हुआ कल। और दूसरा देन, देन का मतलब भी तब, और इसका अर्थ है कल। और फिर है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब है उस समय। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू, वहां पर इस समय सेम था लेकिन वहां दिस का प्रयोग होता था, और यहाँ दिस के बजाय दैट का रूल्स लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। और यहाँ कंस्टेंटली का मतलब होता है निरंतर या लगातार, और उसके बाद है एट दैट मोमेंट, ये उस क्षण जब हम बात कर रहे थे उस क्षण की बात है ये, तो उस मोमेंट के लिए यूज किया जाता है एट दैट मोमेंट। ऐसे ही दीज डेज, अब दीज प्रेजेंट में होता है तो ये दौज होगा पास्ट में, उन दिनों। और नेक्स्ट है देन, देखिए देन रिपीट हो गया है, देन यानी तब। और फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। कोई भी ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में भी होता था और प्रेजेंट में भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा, तो वहां होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। और ऑल डे का मतलब पूरे दिन या पूरा दिन कह सकते हैं। ऑल इवनिंग है, ऑल मॉर्निंग है, ऑल आफ्टरनून है, इस टाइप से भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर आवर्स, घंटों तक कह सकते हैं, घंटों तक। इसलिए व्हेन यानी जब, देखिए ये व्हेन और व्हाइल, क्योंकि मोस्टली जो करेक्ट वर्ब वाले सेंटेंस होंगे उनमें व्हेन और व्हाइल का यूज भी होता है, क्योंकि व्हेन के साथ जो क्रिया होती है वो पॉइंट ऑफ एक्शन वाली होती है, और व्हाइल के साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो प्रोसेस एक्शन वाली होती है, जिसमें लगातार कोई कार्य चल रहा होता है। इन सभी एडवर्ब्स के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस है जो पास्ट कंटिन्यूअस का है। और देखिए आगे इसमें और क्या है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हाँ, और इसमें सहायक क्रिया है दो, पहली है वाज और दूसरी है वर। देखिए वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वर है प्लुरल हेल्पिंग वर्ब है, तो वाज के साथ हमें आई का यूज करना है, ही का यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम कोई भी हो सकता है, उनका हम इसके साथ में यूज करा जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है वर, वर ये प्लुरल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लुरल होगा, तो वी का यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे प्लुरल नाउन है
इनका सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा। ये हमें ध्यान देना है कि जहां हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। अब है उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है मैन वर्ब। किसी भी टेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट एक पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, तो वैसे ही यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। देखिए जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का, उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या करना, हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। अब देखिए हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ पढ़े थे कि हमने आईएनजी के रूल्स पढ़ लिए थे, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई वर्ब है राइट, इसके साथ में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है, तो जहां पर भी लास्ट में ई हो उसको हम हटाएंगे और उसके स्थान पर आईएनजी जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई वर्ब है जैसे रन है, तो लास्ट में एक कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले एक वोवल साउंड आया हुआ वोवल लेटर है, इसके साथ आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर यू डबल एन करेंगे, ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और इस प्रकार रनिंग शब्द लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का शब्द है डी आई ई और प्लस आईएनजी हमें यूज करना है, इसका भी क्या रूल्स है कि जहां पर भी किसी वर्ब के लास्ट में आई ई आया हुआ है और उसके साथ हमें आईएनजी बनाना है, तो क्या करते हैं आई ई को हटा करके वाई का प्रयोग करते हैं इसके साथ में। तो ये इस टाइप से कुछ मेन रूल्स थे आईएनजी को लगाने के लिए किसी वर्ब के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने एक सेंटेंस के एलिमेंट्स को पढ़ा था, अब सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं, ट्रांसलेट किए जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है साधारण या सकारात्मक वाक्य। अब देखिए किसी भी सेंटेंस को हम बनाएंगे उसके लिए हमारे पास एक फिक्स पैटर्न होगा और हमें उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सबसे पहले सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट हमें लिखना है, फिर हमें वाइज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ऑब्जेक्ट के बाद में भी यूज किया जा सकता है और सब्जेक्ट से पहले भी यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है हाँ, बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे थे, हाँ, तो इस प्रकार का ये सेंटेंस है। तो इसमें हमें इसको ट्रांसलेट करना, सबसे पहले तो हमें देखना है कि किसी भी सेंटेंस को लास्ट में रहा रही क्या लिखा हुआ उसके साथ में, तो ये रहे थे आया हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसके रूल्स क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या इसमें आया हुआ, सब्जेक्ट बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, और ये प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी वर्ब। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा चिल्ड्रन वर। अब देखिए गृह कार्य ये ऑब्जेक्ट है और करना ये क्रिया है, तो क्रिया के साथ में वर्ब के साथ में क्या जोड़ना है आईएनजी। तो चिल्ड्रन वर डू के साथ जोड़ेंगे आईएन डूइंग। अब ये अपना गृह कार्य, ये जो अपना शब्द है रिलेटिव एडवर्ब है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हाँ देयर, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके लिए देयर मानेंगे, दे से बनेगा देयर होमवर्क, चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क। ये इस प्रकार का एक सेंटेंस था जिसका हमने ट्रांसलेशन किया। अब देखिए नेक्स्ट है मछुआरा कल मछली पकड़ रहा था, ये सेंटेंस है, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, उसके लिए हम सेंटेंस के लास्ट में चलेंगे, यहाँ था, रहा था, रही थी, रहे हैं। इसके अलावा फिर
टाइम अगर है तो उसमें किस रूप में दिया हुआ, तो यहाँ एक कल दिया हुआ है और कल भी पास्ट में यस्टरडे के रूप में है, और फिर इसका सब्जेक्ट है मछुआरा, तो ये होगा फिशरमैन। हाँ, फिशरमैन लिखने के पश्चात क्या होगा, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है कि बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो फिशरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ होगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो फिशरमैन वाज। अब पकड़ना ये क्रिया है तो कैच, इसके साथ आईएनजी बनाएंगे तो कैचिंग, फिशरमैन वाज कैचिंग मछली, फिश। देखिए फिश वर्ड होता है जो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, तो फिशरमैन वाज कैचिंग फिश, और ये टाइम सब दे रखा है रिलेटेड एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये लास्ट में आएगा टुमारो। फिशरमैन वाज कैचिंग फिश टुमारो, तो ये इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें अफर्मेटिव के पश्चात होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका पैटर्न भी सेम होगा, केवल हमें नॉट का यूज करना है, और नॉट का यूज कहाँ करेंगे, सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वाइज वर्ब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी नेगेटिव हम किसी सेंटेंस को बनाए तो हमारी हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, पक्षी आज सुबह आकाश में नहीं उड़ रहे थे, तो ये इस प्रकार का हमारा एग्जाम्पल है, पक्षी आकाश में आज सुबह नहीं उड़ रहे थे, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले देखना हमें सेंटेंस का लास्ट पार्ट रहा था रही है, तो ये टेंस की पहचान हो जाएगी, उसके पश्चात ये सेंटेंस किस टाइप का है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव, तो ये नेगेटिव है, और फिर इसमें अगर कोई टाइम दे रखा है तो वो किस टाइप का है, तो यहाँ पर आज टुडे दे रखा है। देखिए टुडे एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है, और ये फिर सब्जेक्ट हमारा है पक्षी। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको देखना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो सबसे पहले उस लास्ट में देखा जाता है क्रिया के साथ में कौन से वर्ड आए हुए, तो यहाँ है रहे थे, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ लिखा जाएगा बर्ड्स। अब उसके बाद पैटर्न क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद हमें आई हेल्पिंग वर्ब, तो बर्ड्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वर, उसके बाद हमें लूप लगाना है नॉट, और उसके बाद फिर वर्ब क्या है उड़ना, तो उड़ने की स्पेलिंग होती है फ्लाई, और उसके साथ में क्या जोड़ना हमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। इन द स्काई टुडे, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई टुडे, तो ये इस प्रकार एक एग्जाम्पल था जिसका हमने सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, घुड़सवार हमेशा घुड़सवारी नहीं कर रहा था, तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है, घुड़सवार ये इसका हैबिचुअल एक्शन है जिसमें ऑलवेज का यूज किया हुआ है। हाँ, घुड़सवार हमेशा घुड़सवारी नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए रहा था ये पास्ट कंटिन्यू की पहचान है, फिर इसमें टाइम दे रखा है हमेशा, यहाँ हमेशा ऑलवेज का यूज भी हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज जहां भी यूज होता है इसका अर्थ है कि वो कार्य है जो हैबिचुअल एक्शन में होता है, रूटीन वर्क में होता है, तो यहाँ है हॉर्स राइडर, सब्जेक्ट क्या होगा, हॉर्स राइडर सिंगुलर है, तो वाज
अब देखिए ये जो ऑलवेज शब्द है ये एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला है। इसका यूज सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में किया जाता है। तो वाज ऑलवेज, हाँ हॉर्स राइडर वाज ऑलवेज, नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। हाँ और देखिए राइड शब्द है, अब इसमें आईएनजी करेंगे तो ई को हटाएंगे। हॉर्स राइडर वाज ऑलवेज नॉट राइडिंग। हाँ तो इस प्रकार का हमारा इसमें सॉल्यूशन है। हॉर्स राइडर वाज ऑलवेज नॉट राइडिंग। हॉर्स लिखने की फिर आवश्यकता नहीं है क्योंकि राइडिंग शब्द हॉर्स के साथ ही होता है। हाँ तो ये इस टाइप से नेगेटिव सेंटेंस थे। यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, इसका भी एक फिक्स पैटर्न होता है। सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड्स अगर कोई सेंटेंस में दे रखा है तो इसका यूज करते हैं, अन्यथा फिर हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है वॉइस वर्ब का यूज करके। फिर सब्जेक्ट है, अब देखिए नॉट ब्रैकेट में है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे अन्यथा नहीं बनाएंगे। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको। जैसे उदाहरण है हमारा, हाँ क्या लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे? हाँ क्या लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे, इस प्रकार का सेंटेंस है। सबसे पहले देखना कि ये किस टाइप का है, साधारण सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, किस रूप में। तो ये शुरू हो रहा है क्या से, और लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है तो ये क्वेश्चन मार्क किससे बन रहा है, क्या से, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब इसमें हमें देखना कि हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कैसे होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है पीपुल, तो सबसे पहले हमें वर्ब का यूज करेंगे। हाँ वर्ब पीपुल। अब क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नेगेटिव है नहीं तो फिर डायरेक्टली वर्ब पर आएंगे। तो देखना तो वर्ब पीपुल वॉच, हाँ वर्ब पीपुल वॉचिंग। अब देखिए तमाशा, इसको बोलते हैं ड्रामा। वर पीपुल वॉचिंग ड्रामा एट देयर, हाँ वर पीपुल वॉचिंग ड्रामा एट देयर, क्या लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे, इस टाइप से ये इंटरोगेटिव था। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव किस प्रकार से बनते हैं। तुम किसे अपने पास, बुला रहे थे, तुम किसे अपने पास बुला रहे थे। तब देखिए ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है और ये डब्ल्यू एच से है। कैसे मालूम चला, क्योंकि इसमें जो वर्ड आ रखा है किसे, ये किसे बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड से। और अगर यहां पर सब्जेक्ट क्या है दे रखा है तुम, अर्थात ये किसे ऑब्जेक्ट के रूप में है, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता और उसके लिए बदले में कोई वर्ड दे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट जानने के लिए फिर यहाँ पर होता है होम। किसका प्रयोग करते हैं, होम, क्योंकि ये किसे वर्ड है जो होम ऑब्जेक्ट से है तो होम। अब ये यू, हुम वर यू, हाँ क्रिया कौन सी है, बुलाना। हुम वर यू कॉलिंग, हाँ हुम वर यू कॉलिंग यू, तुम किसे अपने पास बुला रहे थे, इस टाइप से
Whom were you calling? हाँ, योर स्थान के लिखने लाम। योर प्लेस कह सकते हैं। तो हुम वर यू कॉलिंग योर प्लेस, तुम किसे अपने पास बुला रहे थे, या नियर शब्द भी आ सकता है, योर नियर। तो फिर नियर के लिए हमें योर नियर की आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्टली नियर लिखेंगे इसमें सीधा। तो हुम वर यू कॉलिंग नियर, तुम किसे अपने पास बुला रहे थे। तो ये इस टाइप से एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। अब देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा यूजेज है इस टेंस में, जैसे यह शब्द आ रखा है वैन और वाइल। वैन का यूज होता है, वैन यानी जब। वैन का मतलब क्या होता है? जब। और वाइल का प्रयोग करते हैं जबकि में। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वैन के बाद जो सेंटेंस होगा, क्लॉज होगा, वैन से साथ में अटैच होगा, वो एक शॉर्ट एक्शन वाला होगा, तात्कालिक कोई कार्य हुआ होगा, जैसे मैंने देखा, मैंने पाया, मैंने लिया, इस टाइप से, इस तरह। तो ये शॉर्ट एक्शन वाला होगा, और जो शॉर्ट एक्शन वाला सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब होगी वो सिंपल पास्ट टेंस की होगी। किसकी होगी? सिंपल पास्ट टेंस की, अर्थात सेकेंड फॉर्म, जिसे कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। और जो दूसरा है वाइल, वाइल यानी जबकि, इसमें जो इस सेंटेंस के साथ में जो वाइल का यूज हो रखा है, वो सेंटेंस उसमें जो क्रिया होगी वो लॉन्ग एक्शन वाली होगी, और उसमें फिर वाइज वर का यूज करना है, और उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, अर्थात ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस रूप में। अब देखिए इनका यूज सेंटेंस में हमारे पास हो जाएगा आगे। तो टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, अगर कोई भी कार्य एक ही समय हो रहे हैं, दोनों ही कार्य, दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, जबकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हो, तो इस टाइप से दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो वहां पर वाइल का यूज किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई कार्य पहले से चल रहा है फिर दूसरा काम हुआ है, तब तो वैन का यूज करते हैं। और वाइल में क्या होता है कि दोनों कार्य एक साथ पैरेलल समान रूप से हो रहे थे, तो वाइल आई माई होमवर्क, जबकि मैं, तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, माई सिस्टर ए नॉवल इन हर स्टडी रूम, जबकि मैं अपना होमवर्क कर रहा था और मेरी सिस्टर अपना स्टडी रूम में नॉवल पढ़ रही थी। तो ये दोनों कार्य एक ही समय के अंदर हो रहे हैं, तो यहां पर दोनों तरफ किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का। अब देखिए इनमें फर्क क्या होता है वाइल और वैन के अंदर। देखिए वैन के बाद शॉर्ट एक्शन वाली क्रिया होगी जो सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, और वाइल के बाद में एक लॉन्ग एक्शन बताया जाएगा जो कार्य पहले से चल रहा होगा उसके बारे में, और ये होता है पास्ट कंटिन्यू में। तो वाइज वर और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करना है। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें टू एक्सप्रेस एक्शन रिपीटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। हाँ, इसका अर्थ है कि कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट के अंदर रिपीट किया गया हो, जिसको बार बार दोहराया गया हो, वो कार्य पास्ट में, जैसे हमारा हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जो कुछ जैसे बच्चे यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, अर्थात ये पिछले वर्ष का कार्य है जो दोहराया गया है। स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन अबाउट फूड, कह रहे हैं कि पिछले वर्ष बच्चे निरंतर, या बच्चे हमेशा भोजन की शिकायत कर रहे थे। तो ये एक पास्ट इवेंट है जो पहले घटित हो चुकी है, और एक रिपीटेड एक्शन था कि कह रहे हैं कि पिछले वर्ष बच्चे हैं जो भोजन के लिए शिकायतें करते रहते थे। तो ये स्टूडेंट्स प्लुरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर। क्यों लिखा? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे रूप में होगी? प्लुरल के अंदर होगी। तो स्टूडेंट्स वर ऑलवेज, अब ये कंप्लेनिंग करना हमें, कंप्लेनिंग, क्योंकि वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है, और ये कार्य रिपीटेड एक्शन है जो पास्ट कंटिन्यू में लिखा जाएगा। तो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट फूड, इसका मीनिंग हुआ कि पिछले वर्ष बच्चे भोजन के बारे में शिकायतें करते रहते थे। इसी तरह दूसरा है ही ऑलवेज ट्रेवल हिज पेरेंट्स, वो हमेशा अपने माता पिता के लिए, समस्या,
उत्पन्न करता रहता है। तो यहां पर ही सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज ऑलवेज, यहां ट्रिबल तो इसमें लास्ट में ई है, इसको हटाया जाएगा और लिखा जाएगा टी आर ओ यू बी एल ई के स्थान पर आई एन जी, ट्रेवलिंग। तो ही वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग हिज पेरेंट्स, कि वो हमेशा अपने माता पिता के लिए समस्या खड़ी किया करता है। तो ये किस प्रकार का एक्शन है? रिपीटेड एक्शन, अर्थात ये कार्य कई बार दोहराया गया है, इसलिए उसको पास्ट कंटिन्यू में लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें और भी यूजेज है, टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक्स प्लेस। अब इसका अर्थ है कि दो कार्य ऐसे जिसमें एक काम पहले से ही चल रहा है और उसी समय के दौरान दूसरा कार्य घटित होता है। एक काम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये काम पहले से चल रहा है, अचानक लाइट चली गई तो ये दूसरा कार्य अचानक घटना घटित होती है। बच्चे चिल्ला रहे थे, अचानक वहां पर टीचर आ जाते हैं, तो ये दूसरा कार्य है जो बाद में घटता है। जो काम पहले से चल रहा है उसके साथ हमें लिखना है आई एन जी में, और जो बाद में हुआ है वो लिखा जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। देखिए तो टू एक्सप्रेस एक्शन गोइंग ऑन, यहां पर जो एक्शन गोइंग ऑन है अर्थात ये होगा वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के अंदर, और जो दूसरा काम घटना घटित होती है वो लिखा जाएगा सेकंड फॉर्म के अंदर, पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। अब देखिए एग्जांपल, माय फादर फीड द काउ व्हेन आई रीच होम। इससे पहले हमने वैन के बारे में पढ़ा था कि वैन के बाद में आती जो क्रिया शॉर्ट एक्शन वाली होती है, छोटा कार्य होता है, इसमें लगातार नहीं चलने वाला होता है। तो माय फादर फीड यानी खाना खिलाना, चारा खिलाना, द काउ व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी गाय को चारा खिला रहे थे। तो माय फादर वाज फीडिंग, माय फादर वाज फीडिंग द काउ व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी गाय को चारा डाल रहे थे, चारा खिला रहे थे, इस टाइप से। हाँ, ही टेक टी व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया वह चाय पी रहा था, अर्थात पहले से कौन सा कार्य हो रहा था, चाय पीने का कार्य है जो पहले से चल रहा था, और अचानक वो वहां पर उसके घर जाता है। तो जो कार्य कंस्टेंटली होता है, लगातार चल रहा होता है, उसके साथ हमें आई एन जी का प्रयोग करना है, और जो कार्य अचानक ही होता है, सेकेंड स्टेप पर होता है, वो लिखा जाएगा पास्ट सिंपल के अंदर। तो ही वॉज, हाँ, टेकिंग, ही वॉज टेकिंग टी, वह चाय ले रहा था, व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैंने उसके घर गया तब वो चाय ले रहा था, इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको कंटिन्यू में ही लिखा जाता है, और उसमें भी पास्ट कंटिन्यू सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे व्हेन, जब, अगर गेट का यूज किया जा रहा है, बिकम का यूज किया जा रहा है, और ग्रो का यूज किया जा रहा है। ये गेट का मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, होना, बिकम यानी बनना, होना, ग्रो यानी वृद्धि होना, वर्ब्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग, इन सब क्रियाओं का किस प्रकार यूज किया जा रहा है, इंक्रीजिंग यानी वृद्धि बताने के लिए। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि होना, या कुछ चीज को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया, और समथिंग यानी कुछ, रेगुलर यानी नियमित रूप से, और डिक्रीजिंग यानी ह्रास होना या घटना कह सकते हैं। देखिए जब कोई ऐसा क्रिया कार्य जो निरंतर बढ़ रहा है या निरंतर कम हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग हो रहा है, उसको हमें बताना, तो किस रूप में लिखा जाएगा, पास्ट कंटिन्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जैसे सेंटेंस है, ही बिकम पुअरर एंड पुअरर, वो गरीब होता गया होता गया। दूसरा है जैसे ही बिकम मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो सुंदर होता गया होता गया, मतलब लगातार वो सुंदरता उसकी बढ़ती गई। इट गेट डार्कर, अंधेरा होता गया। द प्लांट्स ग्रो लॉन्गर एंड लॉन्गर इन रेनी सीजन, पेड़ वर्षा ऋतु के अंदर बड़े होते गए, बढ़ते गए, इस टाइप से। तो जो कार्य लगातार उसको रिपीटेड एक्शन में दिया जा रहा है, वृद्धि बताई जा रही है, तो किस रूप में लिखा जाएगा, पास्ट कंटिन्यू के अंदर, ही वाज। अब देखिए बिकमिंग, इसमें भी ई को हटाएंगे और आई एन जी लिखाएंगे। हाँ, ही वाज बिकमिंग पुअर एंड पुअरर, कि वो लगातार गरीब होता ही गया।
गरीबी उसकी बढ़ती ही गई। हाँ, इसी तरह सी वाज, सैम है बिकमिंग, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो सुंदर होती ही गई, होती ही गई, या सुंदरता उसकी बढ़ती ही गई। आगे है इट, अब देखिए गेट, तो इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता ही गया, अंधेरा बढ़ता ही गया, इस टाइप से। नेक्स्ट है द प्लांट, देखिए प्लुरल है तो वर का यूज करेंगे, ग्रोविंग लॉन्गर एंड लॉन्गर इन रेनी सीजन, की पेड़ वर्षा ऋतु के अंदर बढ़ते ही गए, बहुत बढ़ते गए, इस टाइप से। देखिए यहां पर लास्ट में जैसे स्पेलिंग है ग्रो, अब लास्ट है ये कॉन्सोनेंट, लेटर आया हुआ डब्ल्यू, उससे पहले वोवल आया हुआ ओ, फिर भी ये रिपीट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि कुछ लेटर मैंने लिखाए थे आपको प्रेजेंट कंटिन्यू के समय, जैसे जेड है, एक्स है, ओ है, इनको रिपीटेशन वापस नहीं हो पाता है, तो यहां पर ये डब्ल्यू वाला रिपीट नहीं होगा। हाँ, कुछ और भी इसके यूजेज है, टेम्पोरेरी हैबिट्स और हैबिट्स दैट हैपन मोर ऑफन देन वी एक्सपेक्ट इन द पास्ट। देखिए टेम्पोरेरी हैबिट्स, कुछ अस्थायी आदतें जो स्थायी नहीं हमारी, और हैबिट्स दैट हैपन मोर ऑफन देन वी एक्सपेक्ट इन द पास्ट, और कह रहे हैं कुछ ऐसी आदतें जो बहुत बार घटित हो चुकी है, जिनके बारे में हम पास्ट में आशा करते थे, वो इस प्रकार की घटनाएं हैं जो होती रहती हैं। तो ये किस प्रकार की अस्थायी आदतें होती है, क्योंकि वो बदल सकती है, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी, वो चेंज हो सकती है, अगर हमारा बिहेवियर बदल जाए तो वो हमारी हैबिचुअल एक्शन है जो चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है ही ऑलवेज लीव द टैप रनिंग, कि वो हमेशा नल खुला छोड़ देता था। अगर मान लो वो समझदार हो गया, ये पास्ट की इवेंट है, कि जो छोटा था उस समय वो नल खुला छोड़ दिया करता था, अब समझदार हो गया, तो वो ये पास्ट हैबिट है जो चेंज हो चुकी है, टेम्पररी हैबिट्स है वो बदल चुकी है। हाँ, तो ही वॉज ऑलवेज लिविंग, लिविंग में भी क्या करेंगे, ई को हटाएंगे, लिविंग द टैप रनिंग, कि वो हमेशा नल खुला छोड़ दिया करता था। तो इस टाइप से सेंटेंस है कि ये उसकी टेम्पररी हैबिट थी, या वो इस प्रकार की आदत थी जो बार बार घटित होती थी, लेकिन अब ये नहीं होती है। हाँ, नेक्स्ट है द, हाँ सी कंस्टेंटली सिंग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो गुनगुनाना छोड़ देते हैं, तो ये कह रहा है कि सी कंस्टेंटली, कंस्टेंटली का मतलब निरंतर, सिंग यानी सिंगिंग करता था, तो सी वॉज कंस्टेंटली सिंगिंग, कि वो निरंतर गाया करती थी या गुनगुनाती थी, इस टाइप से। नेक्स्ट है टू एम्फसाइज दैट समथिंग लास्टेड फॉर अ वाइल, अब देखिए कुछ ऐसी घटनाएं जो अंतिम बार हुई थी उनको बताने के लिए, कुछ घटनाएं होती हैं जो पास्ट में हो चुकी है और उसको वापस बताया जा रहा है, तो इस प्रकार के कार्य भी हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखे जाएंगे। जैसे आई वर्क इन द गार्डन ऑल डे, मैं बगीचे के अंदर, देखिए यहां ऑल डे यानी पूरे दिन, तो ये उस पास्ट इवेंट को बता रहा है कि मैं पहले पूरे दिन काम किया करता था। कभी आप बूढ़ों के साथ बैठ जाइए तो वो हर एग्जाम्पल देते हैं कि हम ऐसा क्या करते थे, ऐसा क्या करते थे, आज आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, तो ऐसे ही ये पास्ट का टेंस है। तो ये ओल्ड इवेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले बगीचे के अंदर पूरे दिन काम किया करता था, तो ये ही आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डेज, कि मैं पूरे दिन बगीचे में काम कर रहा था, तो ये उसकी पास्ट इवेंट को बताया जा रहा है। ऐसे ही रीड ऑल इवनिंग, वो हमेशा सारे शाम को, मतलब सभी जितने भी शाम हुए आज तक, उन सभी शामों को वो पढ़ाई करता था, तो ही वॉज रीडिंग ऑल इवनिंग, वो हमेशा शाम को पढ़ाई कर रहा था। इस टाइप से किसी आदमी से पूछिएगा हम उसकी सफलता के बारे में, तो कह रहा है कि मैं रोज इतने घंटे काम किया करता था, ऐसे ही कह रहा है कि वो हमेशा शाम को पढ़ा करता था, तब जाके उसे सफलता मिली। तो ये इस प्रकार के उसके पर, हाँ, पास्ट कंटिन्यू के एडिशनल यूज थे।
अब देखिए हमारे जो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें इस प्रकार की ब्लैंक्स दे रखी होती है और ब्लैंक सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे क्लूज होते हैं जिनके माध्यम से हम पहचान पाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए फर्स्ट देखते हैं, द सन शाइन एवरी डे दैट समर। अब देखिए अगर मान लीजिए यहां शाइन, यहां तक ये लिखा हुआ है, यहां तक अगर सेंटेंस आया हुआ तब तो ये है प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन उसके बाद में दैट समर शब्द दे दिया इसके साथ में एडिशनल में कि उस गर्मियों के दौरान प्रत्येक दिन सूर्य चमक रहा था। तब ये घटना किस टाइप की हो गई है? पास्ट कंटिन्यू के लिए कह रहा है कि इस उस गर्मियों के दौरान सूर्य हमेशा चमक रहा था। हाँ, तो द सन वाज शाइनिंग एवरी डे दैट समर। तो कह रहे हैं उस गर्मियों के दौरान सूर्य हमेशा चमक रहा था, हो सकता अब सीजन चेंज हो गई है, सूर्य चमकना उसने बंद कर दिया गया होगा। देखिए कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ सूर्य मौसम की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से दिखाई नहीं देता आकाश के अंदर। तो एज आई स्पोक, जैसे ही मैंने बोला, जिस तरह हमने वैन का प्रयोग किया था कि वैन के बाद में भी जो वर्ब होती है वो शॉर्ट एक्शन वाली होती है, ऐसे ही एज के साथ भी हमेशा शॉर्ट एक्शन वाली यूज की जाती है वर्ब। एज यानी जैसे ही, हाँ, इसके साथ कौन सी फॉर्म हुई है? सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट कह सकते हैं उसका यूज हुआ है। हाँ, द चिल्ड्रन लाफ एट माई क्लेवरनेस, जैसे ही मैंने बोला बच्चे मेरी चतुराई पर हंसने लगे, तो द चिल्ड्रन वर लाफिंग। हाँ, जैसे ही मैंने बोला बच्चे मेरी चतुराई पर हंसने लग गए थे। हाँ, देखिए नेक्स्ट है, एट सिक्स ओ क्लॉक, थैंक यू, एट सिक्स ओ क्लॉक आई ईट डिनर विथ माई पेरेंट्स। 6 बजे मैं अपने माता पिता के साथ भोजन करता था। ये भी एक इवेंट है, हैबिचुअल एक्शन है कि मैं 6 बजे शाम को अपने माता पिता के साथ में भोजन किया करता था। तो एट सिक्स ओ क्लॉक आई वॉज, हाँ, ईटिंग डिनर विथ माई पेरेंट्स। ये भी एक रूटीन एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, सी टॉक कंस्टेंटली। अगर ये इस प्रकार का कंस्टेंटली वर्ड दे रखा है तो भी आपको पास कंटिन्यू मानना है। कंस्टेंटली इन द क्लास इन दोज डेज। हाँ, इसके अलावा फिर ये टाइम दे रखा है इन दोज डेज। अगर दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यू होता, लेकिन दोज डेज है अर्थात ये पास्ट कंटिन्यू लिखा गया है। कौन सा है? ये पास्ट कंटिन्यू लिखा गया है। तो सी वाज टॉकिंग कंस्टेंटली इन द क्लास इन दोज डेज। उन दिनों वो क्लास में निरंतर बातें क्या करती थी? हो सकता है वो इस वजह से क्या हो गई है, फेल हो गई है या स्कूल को छोड़ चुकी है, लेकिन आती थी उस समय वो बातें क्या करती थी। नेक्स्ट है देखिए, दे नॉट प्ले फुटबॉल एट 9 AM दिस मॉर्निंग। आज सुबह 9 बजे उसने फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ये इस टाइप से कंटिन्यू है, तो दे यूज हुआ है और फिर ये नॉट प्ले आया हुआ है अर्थात ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। तो दे वर नॉट प्लेइंग, आज सुबह 9 बजे वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, इस टाइप से इसका ट्रांसलेशन होता है। अब देखिए हमें करेक्ट वर्ब के अंदर ट्रांसलेशन के बजाय हमें उसे पढ़ना होता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जिसके माध्यम से उसे पहचान पाए। तो हर सेंटेंस के अंदर इस तरह का वर्ड्स दे रखे होंगे जिसके द्वारा हम पहचानेंगे कि यहाँ पर इसमें ये एडवर्ब दिया हुआ है और ये एक पास्ट सिंपल का है या पास्ट कंटिन्यू का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। तो ये है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट 9 AM दिस मॉर्निंग। उसके बाद देखिए, व्हाट, ये इंटरोगेटिव में है और इंटरोगेटिव में क्या करना होता है हमें? सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करना होता है? हेल्पिंग वर्ब का। इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब है जो बाद में आएगी। अब फिर डू एट 10 PM लास्ट नाइट। देखिए ये जो सेंटेंस में इस प्रकार का एडवर्ब्स दे रखा है टाइम के रूप में, तो ये पास्ट कंटिन्यू को शो कर रहा है कि व्हाट वर यू डूइंग
व्हाट वर यू डूइंग एट 10 PM लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को तुम 10 बजे क्या कर रहे थे। तो ये इस प्रकार एक एग्जाम्पल था जो हमारे करेक्ट वर्ब के रूप में थे। हाँ देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था पास्ट कंटिन्यू, ये पूरा हुआ है। अवश्य ही ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर टेंथ से रिलेटेड सारी क्यूरीज को ये शांत करेगा। थैंक यू सो मच।